Now, we will start. Five sums थे नाउल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सरसाइज एट बी क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन बेटा गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून जी क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या एक्सप्रेशन लेट हाँ जी डाउट था वो आप बाद में बता दें बेटा माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी लीव्स रिमाइंडर जीरो एंड थ्री रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं, हैं बच्चे हमारे पास सॉरी जीरो आ गई माइनस वन टू एक्स माइनस थ्री अलग से जीरो की इक्वल टू एक्स कितना आ गया थ्री फ्रॉम हेर एक्स वी गेट थ्री अपॉन टू ये आ गया ना रिमाइंडर्स आर गिवन तो पहले इसके साथ by using remainder theorem by using नवदीप बच्चे तुम्हारा माइक ऑन करने वाला है रिमाइंडर थ्योरम माइनस वन यहां फिल करो p माइनस वन एक मिनट बच्चे उसका माइक ऑन करवानी है फर्स्ट टाइम मेरे को लगता है ज्वाइन किया होगा बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम बेटा माइनस वन यहाँ पे फिल करो फोर माइनस वन क्यूब माइनस बी माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस सी इजिक्वल टू किसकेक्वल रखेंगे हांसिका जीरो रिमाइंडर जीरो एंड थर्टी ना मतलब इसके पैरल ही यहाँ पे कर देता हूं मैं इसमें बच्चे बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम पे भी यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम c बाय टू फिल करो बच्चे इसमें वी गेट फोर थ्री अपॉइंट टू का क्यूब माइनस बी इंटू थ्री अपॉइंट टू का स्क्वायर प्लस थ्री अपॉइंट टू माइनस सी इज इक्वल टू थर्टी यस बच्चे mm.

माइनस फोर माइनस माइनस फाइव माइनस फाइव इक्वल टू जीरो माइनस बी माइनस सी माइनस फाइव बिकम प्लस फाइव ऑन दिस साइड टेक इट एज इक्वेशन नंबर वन इसको सॉल्व करो बच्चे सबसे पहले क्यूब एंड स्क्वेयर ओपन करनी है फोर एज लाइक थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन टू का क्यूब एट माइनस बी थ्री का स्क्वायर नाइन टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री अपॉन टू यहां से बच्चे फोर से एट कट गया टू ट्वेंटी सेवन अपॉन टू माइनस नाइन बी अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन टू माइनस सी इज इक्वल टू थर्टी एलसीएम एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया फोर गया टू को किससे करें फोर आ जाए टू टू इंटू ट्वेंटी सेवन फिफ्टी फोर फोर को वन वन इंटू नाइन बी नाइन बी टू को टू टू थ्री सिक्स वन इंटू फोर फोर सी इज थर्टी माइनस नाइन बी माइनस फोर सी फिफ्टी फोर प्लस सिक्स सेवनटी फर्टी फोर सॉरी सिक्स सॉरी 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 सिक्सटी, माइनस नाइन बी माइनस फोर सी सिक्सटी बेटा उस साइड जाके माइनस हो गया व्हाट वी गेट सिक्सटी वन ट्वेंटी माइनस सिक्सटी क्या आ गया माइनस नाइन बी माइनस फोर सी वी गेट सिक्सटी सेकेंड इक्वेशन अब अलिमिनेशन बायिश मैथड से बच्चे सोल्व कर लोग yes, 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 क्या बोला है फैक्ट्राइज एक्सप्रेशन और उसके बाद एक्सप्रेशन को फैक्ट्राइज करना है मतलब जैसे हमने फिफ्थ सम किया था ना लॉन्ग डिविजन से डिवाइड करके इसको भी कर सकते थे वैसे और इस मैथड से भी कर सकते हैं करूं आगे फैक्टराइज तो करना आता है जीरो और थर्टी था ना रिमेंडर थर्टी उसमें ऐड कर देते बेटा तो फैक्टर बन जाता वो इसमें थर्टी ऐड कर देते जीरो का मतलब है रिमेंडर तो फैक्टर ही है ये तो फैक्टर है ही ऑलरेडी यस सर इसमें रिमेंडर थर्टी बचता था तो थर्टी सॉरी इसमें से माइनस कर देते चल तो छोड़ो रहने तो, तो इसी मेथड से कर लो ऐसे कंफ्यूज ही हो गए तुम यू विल कंफ्यूज्ड बाय दिस यू कैन डू इट एज लाइक दिस मेथड इसको बच्चे फोर से इसको वन से फोर से करेंगे माइनस फोर बी माइनस फोर सी इज ट्वेंटी अच्छा माइक किसका नवदीप माइक ऑफ करो बच्चे नवदीप माइक ऑफ करो बेटा इसको टू सिक्स सेकेंड इक्वेशन सॉल्व दिस टू सब कर दो बेटा यहां प्लस यहां प्लस यहां माइनस दिस वन इज कैंसल यहां पे फाइव बी आ गया यहां माइनस फोर्टी आ गया एंड बी वी गेट माइनस फोर्टी अपॉन फाइव एट तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस एट आ गई

माइनस माइनस से कट की वैल्यू कितनी आ गई थ्री आ गई बी की वैल्यू माइनस एट एंड सी की वैल्यू थ्री ये दो आंसर आ गए हमारे पास पहला आंसर आ गया अब उसके बाद बच्चे उन्होंने जीरो रिमाइंडर किसके साथ दिया है एक्स प्लस वन के साथ एक्स प्लस वन बाहर यहां बी और सी की वैल्यूज फिल हो जाएंगी फोर एक्स क्यू Minus B, minus minus, 8 हो जाएगा X X, C की वैल्यू डिवाइड कर लोगे yes, नीचे yes. क्रॉस आएगा जो ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा this this कर देंगे उसकी मिडिल टर्म या फैक्ट्राइज करना है फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला लगा देना है दूसरे मेथड से होगा तो दूसरे मेथड से कर देना है समझे इसके बाद yes, तो sir. कर लोगे yes, sir. Sir. नवदीप तेरा माइक नहीं ऑफ हुआ बेटा नवदीप आर यू लिसनिंग हाँ अब ठीक है सेवन साम बच्चे एक्स प्लस ए इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन एफ एक्स एक्स स्क् प्लस पीएक्स प्लस क्यू जी एक्स एक्सक्स एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस वर्ड तो वैसे ही डाल दिया उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इजिकल टू जीरोल टू माइनस ए यहां फिल करो यहाँ पे आ, खुशी टंडन सॉरी माही टंडन खुशी टंडन निकल रहा है मुझसे खुशी गुप्ता हाँ जी माही माही टंडन yes, yes, यस सर पे फैक्टर थ्योरम लिखे हैं बेटा के रिमाइंडर थ्योरम लिखे हैं। खुशी रहोगी सर फैक्टर सर मैं बताऊं यस फैक्टर फैक्टर थ्योरम सर एक्स की वैल्यू माइनस से पुट करेंगे थैंक यू सो मच पता नहीं था मुझे पता चल गया Yes. आज स्वाति ने नहीं ज्वाइन किया और किसने नहीं ज्वाइन किया अंजलि है कनिष्का नहीं आई है ना चलो ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो ऐसी बच्चे सर आज एट ओ क्लॉक वाली क्लास लगेगी हाँ जी बेटा एक्स की वैल्यू माइनस ए यहाँ फिल कर दो वही सेम बाई यूजिंग थियोरम जी माइनस ए माइनस ए का स्क्वायर एम इंटू माइनस ए प्लस एन इक्वल टू तो जीरो प्रियांशी माइनस ए का स्क्वायर आगे माइनस ए एम प्लस एन इक्वल जीरो सेकेंड इक्वेशन अब दोनों इक्वेशंस में बच्चे यहां देखो जीरो है राइट साइड पे दिस इज आल्सो जीरो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड राइट साइड इक्वल है ना तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं करना कहीं मेंशन करना शुरू कर दो सिंस राइट हैंड साइड इज इक्वल देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नहीं सिंपली यही लाइन लिखनी है बस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड इज आल्सो सेम -AP Q प्लस AM N A2 से A2 कैंसिल अब बच्चे प्रूफ क्या करना था हमने A की वैल्यू फाइंड करनी थी ना इसको इस साइड ले आओ -AM को इस साइड आके प्लस ए एम माइनस ए पी यहाँ एन अपने प्लेस पे पड़ा है क्या उस साइड जाके क्या हो गया माइनस हो गया राघव व्हाट इज कॉमन हियर इन दोनों में कॉमन क्या है सर ए व्हाट इज एम माइनस यहाँ पे क्यों लाए बच्चे ए की वैल्यू देखो जो प्रूफ करना है वो देखो ना ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो प्रूफ करनी है उसमें ए एक तरफ है ना इस साइड तो ए है नहीं हाँ सर तो ए वाली टर्म्स बचे एक साइड पे लेके चाहे इसको उस साइड ले जाओ चाहे इसको इस साइड ले आओ मैं उसको इस साइड ले आया ओके okay, सर अब यहाँ से बच्चे ए कॉमन एन माइनस के हो अंजलि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बेटा हो गया यही प्रूव करना था बच्चे फिर से देख लो

मेथड थोड़ा है इक्वेशंस को कंपेयर किया है बेटा ओके सर इसकी राइट right साइड भी देखो क्या है जीरो इसकी राइट right साइड भी जीरो है इक्वल है ना तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी सर वो तो लिखने का तरीका ये होता है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सर इक्वल ओके सर इसकी वैल्यू कितनी है लेफ्ट a2 ap q की वैल्यू कितनी है जीरो जीरो यहां पे बच्चे a2 a, a n की वैल्यू भी कितनी है सर जीरो। जीरो। अब माही टंडन और माही गुप्ता। बच्चे कोई साथ में ना मेंशन कर दिया करो। अकेला माही ना लिखा करो। ठीक है? मुझे पता नहीं चलता कि कौन है कौन नहीं। मेरे पास दोनों माही आयती अकेला लिखा। माही टंडन। और... किसने पूछा था माही टंडन ने पूछा था बेटा? सर माही टंडन ने माही टंडन तेरे पास भी 50 रुपीज़ है माही के पास भी 50 है रोहित मेरे पास भी 50 है व्हाट इट मींस दोनों पे एक के पास क्या है माही एंड रोहित के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है ना यस yes, सर वही सेम इसकी वैल्यू भी जीरो है बच्चे इसकी वैल्यू भी जीरो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट साइड दोनों की इक्वल थी ना इसका रिजल्ट भी जीरो था इसका रिजल्ट भी जीरो था मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल ही हैं इसकी कैलकुलेशन करके जीरो आ रहा है इसकी कैलकुलेशन करके भी जीरो आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी ना वही इक्वल किया बेटा हमने हाँ सर आ गया आ गया हाँ सर चलो अब डर तो नहीं लगता नहीं सर उस दिन तो डर गई थी कुछ ज्यादा ही हैं हाँ सर वो पहला दिन था ना अच्छा चलो बाकी तो कोई डरता नहीं मेरे से है ना सदाफ यस yes, सर देखो बेशर्मों की तरह कह दिया यस yes, सर ऐसे नहीं कह सकते जी डर सकते हैं डरते हैं जी सर डरेंगे क्यों वैसे ही टीचर हूं मैं टीचर से डर नहीं लगता हूं. <laughs> नहीं सर आप से नहीं लगता है आप okay. हाँ अच्छा पढ़ाते हो

इसको अभी बच्चे x माइनस फोर से तो रिमाइंडर उन्होंने क्या बोला है सेम है मुझे कौन करवाएगा ये भावना so, मैं. So, मैं. भावना, मैं? भावना 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 यस yes, सर बोलो क्या करूं इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू फोर यस सर नाउ पी फोर बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्यों सर नो सर रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर

64a 64 45 देखो बच्चे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है यही थी ना रिमाइंडर थ्योरम कि जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो के इक्वल करो जो एक्स की वैल्यू आ गई उसमें फिल कर दो यू गेट द रिमाइंडर अब एक ही फॉर्म में रिमाइंडर आ गया 64a 45 अभी अह नवदीप इसमें क्या करें बच्चे सर सेम रिमाइंडर 2 यावर y को और सभी नंबर ले सकते हैं नहीं बच्चे कुछ नहीं लेना सेम रिमाइंडर का मतलब इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर को इक्वल करना है बस जो इसके रिमाइंडर आएंगे ना उन दोनों को इक्वल yes, कर देना है ओके सर यस नवदीप यहाँ पे क्या करें नवदीप की करिए बच्चे नहीं बोलना माही गुप्ता यस सर सर एक्स इज इक्वल टू फोर मान टू इंटू By using bolo? By using remainder theorem. Uh huh? P4. Sorry, G4 is equal to uh -huh. 2 into 4 cube. Very good. Minus 5 into 4. Very good. Plus A. This one? Kya 128. Yes. Minus 20. Yes. Plus A. को बच्चे एडसेप्ट कर, कर लो अब बस अब नहीं बोलना uh, प्रियांशी yes, ये भी रिमाइंडर है इसको डिवाइड करके आया पी एक्स को एक्स माइनस फोर से ये भी रिमाइंडर है जी एक्स को एक्स माइनस फोर से डिवाइड करके आया उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सेंस रिमाइंडर्स आर सेम रिमाइंडर्स आर सेम ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे इक्वल फ्रॉम हियर नाउ यू गेट ऑल ऑफ यू गेट द वैल्यू ऑफ ए यस सर यस सर यस सर श्योर यस सर यस सर

के एम एन कोई भी ले लो एक्स ले लिया नाउ नाओमियल बिकम्स क्या आएगा थ्री वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू वाई प्लस फिफ्टीन माइनस एक्स ना okay, ये होगा sir. अब वाई प्लस थ्री इजकल टू जीरो अब कंप्लीटली डिविजिबल बाय वाई प्लस थ्री है ना y की वैल्यू सदफ सर माइनस थ्री माइनस थ्री फिल कर दो यहाँ पे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम कंप्लीटली डिविजिबल है ना factor theorem लिखी yes, है यहाँ पे. क्या आएगा थ्री इंटू माइनस थ्री क्यू प्लस माइनस थ्री स्क्वाइनस ट्वेंटी टू इंटू माइनस थ्री प्लस फिफ्टीन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस थ्री का क्यूब माइनस ट्वेंटी इंटू थ्री माइनस एट्टी बनना माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन आएगा ना प्लस प्लस नाइन आएगा ओहो आगे तेरे को तो पता है प्लस प्लस आगे, plus, plus 66. आगे. इक्वल टू जीरो तीनों है इन तीनों को अलग से ऐड करो नाइन सिक्स ट्वेंटी थर्टी 90 आ जाएगा टू थ्री सिक्स नाइन माइनस एक्स इज इजल टू जीरो माइनस एटी वन प्लस माइनस एक्स इक्वल टू जीरो

नंबर से रिलेक्टेड भी नाइन तो एक्सरसाइज हमारी बच्चे कंप्लीट हो गई आगे